ओके सो हे गाइज व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइज आज का जो वीडियो है हमारा, वो वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइज इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करूँगा सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। एंड गाइज वीडियो को एकदम आप सबको एकदम अच्छे तरीके से समझाऊंगा इस वीडियो में कि आप सभी को मतलब कि कैसे कैसे फोटोज़ को लगाना है एंड पेजेस को कैसे यूज़ करना है। तो बस यार आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देख लेना। तो चलिए गाइज आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करके अपने पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना है। एंड उसके बाद जाना फिर आप सभी को ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को अपने मॉडल को ले लेना है। एंड कुछ इस टाइप से आप सभी को अपने मॉडल को थोड़ा जूम आउट करके कुछ इस टाइप से लगा लेना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से लगा लेना है। एंड फोटो को आप सभी को कुछ मॉडल को थोड़ा मतलब कि बड़े साइज में करके लगाना है, ठीक है, क्योंकि जो फोटो का जो बैकग्राउंड है वो भी थोड़ा छोटा है। तो इस टाइप से लगाना है। एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ पे डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को जाना है ऐड फोटो में। एंड आप सभी को मैं पीएनजी दे दूंगा, ठीक है, तो आप सभी को ये पीएनजी लेना है। एंड गाइस इसका जो आप सभी को ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है। एंड इसको यहाँ पे आप सभी को कर देना है ओवरले, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा और नीचे की तरफ, पहले इसको हम एक बार यहाँ टैप करके एंड ओवरले कर लेते हैं, ठीक है। तो ओवरले कर देने के बाद आप सभी को फिर यहाँ से जाना इन्वर्ट कर देना है इरेजर टूल में जाकर। एंड उसके बाद ब्रश के साइज को थोड़ा सा बढ़ा के एंड ओपेसिटी एंड हार्डनेस को कम करके एंड कुछ इस टाइप से आप सभी को अपने फेस के ऊपर से पेंट करना है, ठीक है। ओनली फेस पे पेंट करना है। एंड थोड़ा हो सके तो नेक के ऊपर भी कर लेना। तो एंड उसके बाद गाइस आप सभी को क्या करना है, थोड़ा सा हम यहाँ पर नेक के ऊपर भी कर लेते हैं, टी शर्ट के ऊपर भी थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं एंड ऐसा हल्का हल्का थोड़ा इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे तो देखिए हमारा जो रेड टोन है जो हमारी फोटो में आ चुका था, यहाँ से हम थोड़ी सी ओपेसिटी इसकी कम कर लेंगे। एंड जो ओपेसिटी अगर ज़्यादा कम हो भी गई तो हम लाइट रूम में थोड़ी बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आप सभी को अब यहाँ डन कर देना है। एंड उसके बाद जाना गाइस आप सभी को ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को ब्लू कलर का लाइट पीएनजी दे दूंगा मैं गाइस, तो आप सभी को उसको ले लेना है। एंड उसके बाद इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देना है। एंड स्क्रीन करने के बाद आप सभी को साइड में दिख रहा होगा जो पीछे हमारी रिंग लाइट सी है, जो इसमें से आप ब्लू टोन आ रहा है हमारे, तो ठीक है। तो इसलिए मैंने आप सभी को ब्लू कलर का पीएनजी दिया है ताकि आप यहाँ पे लगाओगे तो मतलब रियलिस्टिक सा लगेगा, ठीक है, कि मतलब जो पीछे जो आपके बैकग्राउंड है उसका इफेक्ट आपके शोल्डर्स के ऊपर भी पड़ रहा है, ठीक है। तो आप सभी को ऐसे कर लेना है। एंड गाइस अभी हमारी फोटो में एक कमी रह गई है, तो अभी हमें हम फोटो को पहले डन करते हैं। एंड उसके बाद हमें थोड़ा टूल्स में जाना पड़ेगा। टूल्स में जाने के बाद हम एडजस्ट में जाएंगे, यहाँ पर जो है हम इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे। एंड इरेजर टूल में जाएंगे, इसको इन्वर्ट कर देंगे, ब्रश को सिलेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद जो है गाइस हम थोड़ा साइज को छोटा करके एंड कुछ इस टाइप से फोटो को जूम करके एंड हमें साइड में कुछ इस तरीके से पेंट करना है, यानी कि मतलब कि जो हमारे पीछे जो व्हाइट कलर का जो मून सा है, जो मून या लाइट कुछ भी कह सकते हैं जिसको हम, तो जिसका जो है इफेक्ट हमारे हेयर्स वगैरह पे भी आना चाहिए, है ना। तो ये रियलिस्टिक दिखाने के लिए तो यहाँ पे हम पेंट करेंगे कुछ इस टाइप से, जैसे कि आपको मैं गाइस वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे तो मैं थोड़ी सी वीडियो को फास्ट कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके गाइस तो यहाँ पे फाइनली हमारा इतना हो चुका है। तो गाइस आप चाहो तो उसका अमाउंट थोड़ा बढ़ा के भी रख सकते हो, ठीक है। तो अमाउंट को आप चाहो तो बढ़ा के रख सकते हो, बाकी आप सभी को उसका रिफ्लेक्शन दिखाता हूँ। गाइस देखिए अमाउंट को घटाने पे देखिए कितना फर्क पड़ रहा है, तो गाइस बढ़ाने में भी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो आपको उसको अराउंड 15 तक रख देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे डन कर देना है। एंड इतना कर देने के बाद गाइस आप सभी को जाना फिर से दोबारा से ऐड फोटो में। एंड आप सभी को यहाँ पे मैं एक पीएनजी और दूंगा, तो आप सभी को उसको ऐड करना है। एंड इसको ऐड करना है कुछ इस टाइप से लगा देना, तो नीचे की तरफ जो है आपका डार्क सा हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से फुल स्क्रीन करके लगा देना, एंड यहाँ पर डार्क हो जाएगा। तो उसके बाद आप सभी को यहाँ पे फोटो को डन कर लेना है। एंड उसके बाद गाइस इसमें हम थोड़ी सी चाहो तो डोजन बन कर सकते हो, बाकी यार हम इसमें कलर करेक्शन कर लेते हैं, डोजन बन की जरूरत मुझे लगती नहीं है। तो आपको लगे तो यार आपकी फोटो में आप कर सकते हो, बाकी हम लाइट रूम ऐप को यहाँ पे ओपन कर लेंगे। एंड गाइस जब तक हमारा लाइट रूम ऐप ओपन हो रहा है, और यार अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार आपकी एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है यार, और वीडियो लाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड यार अगर आप में से कोई भी भाई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि यार मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी अपडेट आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिएगा सब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी फोटो ऐड हो चुकी है, तो उसके बाद आप सभी को साइड में दिख रहा होगा लाइट वाला ऑप्शन, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद इसका कॉन्ट्रास्ट को जो है आप सभी को थोड़ा बढ़ा देना है, ठीक है। एंड जो हाईलाइट है इसको भी आप सभी को प्लस में ही रखना है, ठीक है, कम मत करना, इसको प्लस में रखना है। एंड जो शेडो है इसको आप थोड़ा माइनस में रख लेना, ठीक है, शेडो को माइनस में रख लेना। एंड जो व्हाइट है इसको आप सभी को इंक्रीज कर देना है। एंड जो ब्लैक है इसको कम कर देना है, ठीक है, ब्लैक को जो है इसको थोड़ा कम कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को जाना कलर्स वाले ऑप्शन में। एंड उसका जो फोटो का वाइब्रेशन है इसको आप सभी को बढ़ा देना है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को जाना मिक्स में, कलर्स मिक्स में, ठीक है। एंड उसके बाद आप सबको जाकर ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, इसके सैचुरेशन को यहाँ पे माइनस कर देना है। एंड उसके बाद रेड कलर को सिलेक्ट करना है, एंड इसके ह्यू को जो है माइनस में रख देना है, ठीक है, ताकि रेड टोन आ जाए। एंड उसके बाद सैचुरेशन है जो इसको हम प्लस में रख देंगे, ठीक है गाइस। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा रेड टोन आ चुका है हमारे फेस के ऊपर। एंड उसके बाद हमें ब्लू कलर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम ह्यू को थोड़ा माइनस में रखेंगे। एंड सेकंड ब्लू में जाएंगे, इसके ह्यू को माइनस में रखेंगे, एंड सैचुरेशन को प्लस में रखेंगे। एंड गाइस इतना कर देने के बाद अभी हमें कर देना डन। एंड उसके बाद जाना हमें कलर्स के नीचे वाले टूल में। एंड जो गाइस इसमें फोटो क्लियरिटी हमें इसमें इंक्रीज़ कर देनी है। एंड जो फोटो में वीकनेट है वो थोड़ा सा डाल देना है, ठीक है,
ऑटो में विगनेट डाल देना है। एंड उसके बाद हमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, एंड उसके बाद जो ग्रीन अमाउंट है हमें इसको थोड़ा बढ़ा देना है। एंड उसके बाद हमें इसके नीचे वाले टूल में जाना है एंड फोटो की जो शार्पनेस है इसको इंक्रीज कर देना है। एंड जो नॉइस रिडक्शन है इसको भी हमें थोड़ा बढ़ा देना है। ठीक है गाइस, इतना कर देने के बाद आपसे थोड़ा स्क्रॉल करना है, नीचे कलर नोटिफिकेशन मिलेगा तो उसको भी बढ़ा देना है। एंड गाइस यहाँ पे फाइनली हमारी फोटो का जो रिजल्ट है आप सभी के सामने है। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो है मैंने फोटो काफ़ी अच्छी एडिट कर ली है। एंड गाइस आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो और प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। एंड अगर आप में से कोई भी भाई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड यार सच में वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को यार शेयर जरूर कर देना। एंड बाकी यार आप सभी को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यार मैंने लास्ट में आप सभी के लिए दो एंड स्क्रीन में ही वीडियो लगा रखी है। आपको इन दोनों में से जो वीडियो बेस्ट लग रही है प्लीज़ यार इन दोनों में से किसी एक वीडियो पर क्लिक करके आप वॉच करो। बाकी यार अगर आप मेरे चैनल की कोई और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल के लोगों के ऊपर क्लिक करो एंड वहाँ पर जाकर आप मेरी कोई भी वीडियो देख सकते हो। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।